Good morning, students. My name is Indrakant Singh. Today we will discuss about epicyclic gear. What is epicyclic gear train? So let's start. Here you can see the diagram of epicyclic gear train. अब इसके आसपास से क्या होता है epicyclic gear train? देखिए epicyclic gear train actually उस type का gear train है जिसमें जितने भी axes होते हैं है ना शाफ्ट के जितने भी एक्सेस होते हैं वो दूसरे वाले शाफ्ट के एक्सेस के बीच में उनके बीच में रिलेटिव मोशंस होता है. क्या होता है रिलेटिव मोशंस होता है उनके बीच में है ना. ठीक है जैसे हम कभी कोशिश करेंगे जैसे कि कंपाउंड गियर ट्रेन हमने क्या देखा इसमें कि पहले हम पढ़ते थे सिंपल गियर ट्रेन फिर इसके हमने देखा कंपाउंड गियर ट्रेन फिर हमने देखा रिवर्टेड गियर ट्रेन. ठीक है ये तीन टाइप के रिवर्टेड गियर ट्रेन है और एक हमने पढ़ा यहाँ पर से epicyclic गियर ट्रेन. ठीक है epicyclic gear train. ठीक है तीन टाइप के gear train होते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि इनकी जो एक्सिस होती है वो क्या होते हैं फिक्स होते हैं. इस केस में जो इनकी एक्सिस होती है वो होते हैं फिक्स. तो फिक्स को हम मानते हैं कि हाँ वो उनके पीछे मोशन नहीं होता है. क्लियर है. जबकि epicyclic gear train की जो एक्सिस होती है इसमें जितने भी हम बोल सकते हैं कि गियर जितने भी होते हैं उसमें उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मूव कर सकते हैं. क्लियर है. और इसमें जो है जितने भी गियर्स होंगे उनके जो शाफ्ट होंगे उनके मोशंस नहीं होते शाफ्ट के. क्लियर है. शाफ्ट जहां पर है वो वहीं पर रहेगा. बस epicyclic gear train में क्या होते हैं जिनके जो शाफ्ट होते हैं जिनपे गियर माउंट किए जाते हैं वो अपनी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं. क्लियर है. तो इस टाइप के जितने भी गियर ट्रेन होते हैं उसे हम epicyclic gear train काउंट करते हैं. जैसे सपोज दैट कि ये जो हमारे पास है सबसे पहले तो ये पिलर हो जाएगा या फिर स्टैंड बोल दीजिए आप कोई इशू नहीं है. ये गियर नंबर फर्स्ट है और गियर नंबर फर्स्ट जो है ये इसके सेंटर से ये इस पॉइंट से सेंटर जिसे हम बोल रहे हैं O1 उसके रिस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा. यानी कि आप इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं. जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसके साथ जो मैशिंग करता हुआ गियर भी जो लगा हुआ है यहाँ पर उसका भी रोटेशन होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये इधर की तरफ रोटेट होगा एज देखिए यहाँ पर जितनी अगर मैं इसे रोटेट करता जाऊंगा तरीके से तो इसे मैं एक सिंपल गियर ट्रेन बोल सकता हूँ. क्या बोलता हूँ सिंपल गियर ट्रेन बोलूंगा. ठीक है. लेकिन जैसे ही इसमें जो आर्म लगाया गया है यहाँ पर दिख रहा होगा आर्म जो लिखा हुआ दैट इज आर्म सी. आर्म सी जो है उसका सेंटर अगर ओ होता है आर्म सी का सेंटर ये क्या है O1. क्लियर. O1 जो है और ये आर्म सी भी जो है वो इधर की तरफ मूव करता है. क्लियर. वो भी क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा मतलब आर्म सी भी जो है इस तरीके से वो रोटेट करते हुए जितने भी राउंड लेना है वो ले सकता है. तो जिसका जो पोजीशन है जो गियर बी का जो सेंटर हमारे पास O2 है वो भी इसके रिस्पेक्ट में यानी कि आर्म के रिस्पेक्ट में जैसे यहाँ से लेंगे तो ये आर्म के रिस्पेक्ट में कभी यहाँ पर होगा O2 तो कभी यहाँ पर होगा O2. तो इस तरीके से वो O2 जो है अपनी पोजिशन को चेंज करता रहेगा. है ना. ठीक क्लियर है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो O2 है वो शाफ्ट है जो गियर बी उसके ऊपर माउंट किया गया है और ये जो शाफ्ट है अपनी पोजीशंस को चेंज करता है. मान लो पहले इस कंडीशन में यहाँ पर था फिर दूसरे में पहुंच गया फिर तीसरे में पहुंच गया तो इस तरीके से जो है उसकी एक्सेस जो है कभी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से वो जो है वो अपनी एक्सेस को रिलेटिव टू O1 वो मूव करा सकता है. क्लियर है. तो इस तरीके का जो भी गियर ट्रेन हमें मिलेगा जिसमें एक्सेस मूव करते हैं अपनी पोजीशंस में या O2 मूव करे या O1 मूव करे इस तरीके से जब भी वो आपस में मूव करेंगे तो उनके बीच में रिलेटिव मोशंस होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर epicyclic gear train. क्या बोलेंगे हम लोग इसको epicyclic gear train बोलेंगे. जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एनिमेशन दे रहा है यहाँ पर कि जो आर्म यहाँ पर है वो रोटेट हो रहा है और गियर ए जो है स्मॉल गियर जो ए है वो भी रोटेट हो रहा है और गियर बी जो हमारे पास लगा हुआ जो आर्म के साथ अटैच्ड है वो भी रोटेट हो रहा है. क्लियर है. यहाँ पर देखिए जो रोटेशन है वो सभी का हो रहा है लेकिन जो साथ में एक्सिस है वो भी चेंज हो रहा है गियर बी का. क्लियर. तो हम इसे epicyclic gear train में काउंट कर लेते हैं. क्लियर. देखिए अनदर डायग्राम इसका जो epicyclic gear train का बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है. इसमें देखिए कि अगर मैं बात करूँ तो एक इस साइड से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो रेड कलर का साफ्ट है एक साफ्ट ये हो जाएगा रेड कलर वाला और एक इधर साइड एक साफ्ट है वो ग्रीन कलर का साफ्ट दिया हुआ है. और अगर मैं गियर की बात करता हूँ इसके अलावा ना तो रेड कलर का देखिए जो रेड कलर में जो स्पाइडर आर्म लगे हुए उसमें तीन
जो कॉर्नर दिए हुए हैं यार, ये तीन साइड्स दिए हैं उसमें शार्प माउंट किए गए, और उस साइड पे जो व्हाइट कलर का जो गियर्स है वो माउंट किया गया, ठीक है। तो रेड कलर में तीन व्हाइट कलर के जो गियर है वो है, और जो ग्रीन कलर का जो शाफ्ट है उसमें एक ही गियर माउंट किया गया है ग्रीन रंग का, जो बीच का है, क्लियर है। और सबसे बाहर का जो हमारे पास है वो इंटरनल गियर है, जो सेपरेटली रोटेट होता है, जो इन सभी को होल्ड करके रखा हुआ है, क्लियर है। लेकिन उसका भी रोटेशंस होता है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो आप इसलिए समझ सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे सपोज दैट कि ये हमारे पास है शाफ्ट, है ना, रेड कलर का शाफ्ट है। इसमें देखिए, ये जो शाफ्ट हमारे पास दिया हुआ है, इस शाफ्ट के थ्रू आप यहाँ पर एक इधर जाएगा, एक इधर जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है। तो यहाँ पर एक शाफ्ट इधर लग गया, एक शाफ्ट इधर दूसरी तरफ लग गया, और एक शाफ्ट यहाँ पर लग गया। तो ये शाफ्ट इधर की तरफ जा रहा है, ये शाफ्ट इस साइड जा रहा है, और ये साइड साइड जा रहा है, क्लियर है। तो तीन शाफ्ट हो गए। इन इन तीनों शाफ्ट पर हमने देखा कि ये अलग अलग जो है गियर माउंट की गए। तो एक गियर ये हो जाएगा, क्लियर, इधर की तरफ रोटेट हो रहा है। एक गियर ये हो जाएगा जो इधर की तरफ रोटेट हो रहा है। डायरेक्शंस अकॉर्डिंगली हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एक इधर से उधर तक। देखिए, जो शाफ्ट रेड कलर का है उसमें तीन गियर माउंट किए गए हैं, क्लियर है। अगर मैं ग्रीन कलर के शाफ्ट की बात करता हूँ, देखिए ग्रीन कलर का शाफ्ट यहाँ पर ये दिया हुआ, ग्रीन कलर का शाफ्ट जो है उसमें एक ही गियर माउंट किया है, वो भी ग्रीन कलर का इंटरनल। देखिए, वो इधर की तरफ ऐसे करके रोटेट हो रहा है, क्लियर है। तो देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का शाफ्ट है वो भी रोटेट हो सकता है। अब बचा हमारे पास सबसे बाहर का आउटर मोस्ट वाला, ठीक है, क्लियर। तो आउटर मोस्ट जो हमारे पास दिया हुआ है, दिस आउटर मोस्ट गियर, क्लियर है। जो आउटर मोस्ट गियर है उसके इंटरनल टिप्स बने हुए, देखिए यहाँ पर ये इंटरनल टिप्स है जो बने हुए यहाँ पर, दैट इज इंटरनल टिप्स। तो इंटरनल टिप्स को हम एनुलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनुलर बोलते हैं। तो ये से हम क्या काम करते हैं, एज एनुलर, एनुलर वैसे गियर गियर को बोलते हैं जिनके अंदर साइड टीथ होते हैं, ठीक, क्लियर है। उसे हम एनुलर का नाम देते हैं, है ना, A-N, एनुलर। और ये शाफ्ट वन शाफ्ट टू, अगर मैं एनुलर को भी फिक्स कर सकता हूँ, एनुलर को फिक्स करूंगा तो गियर वन को रोटेट करूंगा, तो गियर, सॉरी, अगर मैं इसे वन बोल रहा हूँ और इसे मैं टू बोल रहा हूँ और एक एनुलर है, तो अगर मैं गियर वन, सॉरी, शाफ्ट वन को रोटेट करूंगा तो गियर शाफ्ट टू भी रोटेट होगा, क्लियर है। और एनुलर को मैं क्या करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। अगर मैं एनुलर को रोटेट भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो रोटेट भी हो जाएगा, क्लियर है। अगर मैं टू को फिक्स करता हूँ, टू को अगर सपोज दैट मैं फिक्स करता हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास फर्स्ट है वो रोटेट होगा, और उसके बाद जो हमारे पास ये एनुलर है उसे भी हम रोटेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो बाहर की तरफ मूव करता रहेगा। अब इसी तरीके से हम किसी भी एक को स्टेशनरी करके अनदर वन को हम रोटेट कर सकते हैं। और अगर हम इसे एक और नाम दें ना, एक और नाम दें, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे अंदर की तरफ जो हमारे पास रहता है ना, ठीक है, जो सबसे अंदर की तरफ जो हमारे पास एयर है, जैसे कि ये मैंने बनाया, ये हो जाता है, क्लियर। तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, शन बोलता हूँ, क्लियर है। और जो इसके सराउंडिंग में जितने भी गियर्स मूव करते हैं या रोटेट करते हैं, जैसे यहाँ पर एक लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है, इसे मैं प्लानेट का नाम देता हूँ, क्या देता हूँ, इसमें प्लानेट का नाम देता हूँ। जो प्लानेट जो सन के अराउंड रोटेट करते हैं, क्लियर, या तो मूव करते हैं। और उसके बाद मैं बोलता हूँ जो बाहर की तरफ एक लगा हुआ है ऐसे करके, जो बाहर की तरफ एक और गियर मॉन्ट किया गया है, उसे मैं एनुलर व्हील बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एनुलर व्हील बोल रहा हूँ। फिर इसे हम बोलते हैं यहाँ पर ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का, इसका एनिमेशन देखेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए, वन बाय वन जहाँ पर इनपुट है कोई स्टेशनरी है, फिर उसके रिस्पेक्ट में कोई और इनपुट है तो कोई और स्टेशनरी है, तो मोशन सभी में होंगे। किसी एक को मैं स्टॉप भी कर दूंगा तो मोशन प्रोवाइड होते रहेंगे, कोई दूसरा रोटेट भी हो सकता है, कोई तीसरा रोटेट भी हो सकता है, यानी कि वो इंडिविजुअली भी अपने आप को रोटेट करते रहते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ईपी साइक्लिक गियर को ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है। तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में इम्पोर्टेंट जो था वो यही था कि इसके एक्सेस भी मूव करते हैं, इन केस ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन और सिंपल गियर ट्रेन, उसके एक्सेस मूव नहीं करते हैं, क्लियर। तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको अपने लाइफ में मिलेगा तो वो है डिफरेंशियल गियर बॉक्स। डिफरेंशियल गियर बॉक्स अगर आपने ऑटोमोबाइल यानी कि आपने देखा होगा व्हीकल्स वगैरह में, तो डिफरेंशियल गियर बॉक्स जो पीछे की तरफ लगा होता है, पीछे के व्हील में, उसे हम डिफरेंशियल गियर बॉक्स बोलते हैं। वहां पर वो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, ओके। अब इसके हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।